भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंच गए हैं। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं देपसांग और डेमचोक पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंटेगमेंट कहते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर बनी सहमति से 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम 22-23 अक्टूबर को होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले सामने आया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाओं पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता हो रही है। इसी के चलते चीन के साथ है एलएसी के मुद्दों पर हमारा समझौता हुआ है। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks,